खूबसूरत जिंदगी का राज यह है कि दुआ ली जाए, दुआ दी जाए, दुआ मांगी जाए। जब से लोग बड़ों की इज्जत कम करने लगे, तब से लोग अपने दामन में दुआएं कम और दवाइयां ज्यादा भरने लगे। दूर बैठे कोई मुझे दुआ देता है, दूर बैठे कोई मुझे दुआ देता है, डूबता हूं समंदर मुझे उछाल देता है। मोहतरम सामिन, हम दुआओं के जरिए किस्मत के फैसले करा सकते हैं, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। चुनांचे हदीस पाक में इरशाद गिरामी है, दुआ तकदीर को बदल के रख देती है। मायूस न हो अहले जमी अपनी खता से, मायूस न हो अहले जमी अपनी खता से, तकदीर बदल जाती है मुस्तर की दुआ से। टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है। उसके लुत्फो करम के क्या कहने, उसके लुत्फो करम के क्या कहने, लाख मांगो करोड़ देता है। जिंदगी की तमाम मुश्किलात व मसाइब के लिए मुश्किल कुशा हाजत रवा अमल व दुआ है। इसलिए पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाते रहें, क्योंकि दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसे काम नहीं आते, हाथ दे देते हैं और साथ देना छोड़ देते हैं। कोई रास्ता नहीं एक दुआ के सिवा, कोई रास्ता नहीं एक दुआ के सिवा, क्योंकि कोई सुनता नहीं एक अल्लाह के सिवा। मुतसमीन, दुआ मांगना फर्ज है, जरूरी है। चुनांचे कुरान करीम में पारा नंबर 24 आयत नंबर 60 सूरह मोमिन में इरशाद खुदावंदी है, उदउनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। मेरे बंदो बंदियो, तुम मुझसे दुआ मांगते रहो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, अन करीब वो जहन्नम में जलील होकर दाखिल होंगे। मुतम समीन, सियासी बातें, दुनियावी बातें बहुत चली हैं और बहुत सुनते रहते हैं। आज हमें और उम्मत को बातें बतलाने की जरूरत है जिसकी उन्हें अशद जरूरत है। ये अजीज हालात हजरा सुनाने के लिए आपको जमा नहीं किया, क्योंकि हर चैनल, हर वर्ग, हर अखबार इस पर बात कर रहा है और लोगों का आज इत्तिला देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हल चाहिए। मसाइलों, मुश्किलात, फक्र फाका, तंग दस्ती, गुर्बत, महंगाई, परेशानियां, बीमारियां, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, रुकावटें, नजरेबद, सिफिल अमल, काला जादू, झगड़ों का हल, बेबरकती का हल, तिजारत में घाटा है, कारोबार में बेबरकती, इबादत में दिल न लगने का इलाज वगैरह वगैरह। तो लोगों को इन चीजों का हल चाहिए। यकीन जानिए, इसका हल है और यकीन ही हल है। हमारे सारे मसाइल का हल है, यकीन ही हल है। वो सिर्फ दया रे मुस्तफा, दरबार मुस्तफा, दरे मुस्तफा, वो चौखटे मुस्तफा से मिलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही आखिरी कोशिश है।
घूम फिर के थक हार के दुनिया के सब चक्कर काट के इन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दवाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फराबीनों इरशादात को इख्तियार करना पड़ेगा। मोहतरम सामीन, ध्यान से सुनिए, कलिमा पढ़ने वाला और कलिमा न पढ़ने वाला, या मोमिन या ऐसा शख्स जो मोमिन नहीं काफिर है, उसकी जिंदगी उसकी सोच में बहुत फर्क है। जिसने इस्लाम को कबूल किया, हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को कबूल किया, वो कलिमा पढ़ने वाला है। वो दो जिंदगी के हिस्सों को लेकर चलता है। एक हिस्सा जो मरने से पहले, और एक वो है जो मरने के बाद है। दूसरे लफ्जों में यूं समझो, दो पैकेज हैं मोमिन के पास, एक मरने से पहले का पैकेज और एक मरने के बाद का पैकेज, दो पैकेज। और जिसके सीने में कलिमा नहीं काफिर है, उसके पास सिर्फ एक पैकेज है, वह है मरने से पहले की जिंदगी। बस उसके लिए यही सारी कायनात है। तेरे आजाद बंदे की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आजाद बंदे की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहां मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। इसी दुनिया में एंजॉय कर लो, जो करना है कर लो, क्योंकि इसी में सब कुछ है। इसको कितना बेहतर से बेहतर बना सकते हो मरने से पहले की जिंदगी को, और इसको कितना सुख और सुकून दे सकते हो और कितनी सहूलत दे सकते हो, दे लो। और जिसके सामने मरने के बाद की जिंदगी है, जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मर के देख। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मर के देख। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। अगर गर्मी के रोजे भी आ जाए तो वो इंसान तन के सुकून को भी नहीं देखता, मन के सुख को भी नहीं देखता। रात छोटी भी हो वो तहज्जुद नहीं छोड़ता, उसे पता है ये रोजे मेरे मरने के बाद का पैकेज है। जिसको आखिरत और मरने के बाद का यकीन और पैकेज का एहसास है और ईमान है और यकीन है, उसके सामने हज की मशक्कत हज का मुजाहदा है। पैर में ढंग के चप्पल नहीं, सर से ताज उतर गया, जिस्म पर पूरा लिबास नहीं, इधर उधर फिरना घूमना, इधर उधर के धक्के खाना, ये सब अल्लाह के लिए। बड़े बड़े मालदार हज पे चक्कर खाते धक्के खाते देखे गए, अरबपति खरबपति।
बाद मतलब रब्बे करीम रास्ते ही भुला देता है, अपने बंदे से मोहब्बत की बुनियाद पर रास्ते भूल जाते हैं। इस तन को अगर राहत देना है तो अल्लाह के लिए, अगर इस तन को जिस्म को मशक्कत देना है तो अल्लाह के लिए, एक निजाम है जो हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, वो मरने के बाद का निजाम है। कब्र की मिट्टी को ढेर मत समझो, वो जन्नत के बाग में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक घड़ा है। कब्र सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं है, वो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है, वो जहन्नम के गढ़ों में से घड़ा है। यह हकीकत है, यह हकीकी निजाम है मोहतरम सामने, यह हकीकी निजाम। ईसा ले सौंप पढ़ के हदिया करना, आमाल करना, निकियां करना, अपने जेब से गरीब फकीर मुस्तहिक जरूरतमंद का चूल्हा जलाना, उसके पेट को भरना, उसकी जरूरत का ख्याल रखना, ये सारा का सारा वो निजाम है जो दुनिया में भी बरकतों का जरिया है और आखिरत में भी बरकतों का जरिया है। बहुत ही अहम बात है, ध्यान से सुनिए। जितने रस्मों रिवाज पर चलते रहेंगे, ध्यान तो जिससे सुनिए मोहतरम सामीन, आजकल के जितने भी रस्म रिवाज हैं, तो जितने रस्म रिवाज पर चलते रहेंगे और जितनी अल्लाह की जात से नजर हटती जाएगी और आमाले नबवी से नजर हटती जाएगी, साइंस के ऊपर नजर बढ़ती जाएगी, तो अब मसाइल टेंशन के नाम पे, पागलखानों मेंटल हॉस्पिटलों के नाम पे, नफ्सियाती डॉक्टरों के नाम पे और मुआलिज इलाज के नाम पे और मुख्तलिफ शक्लों के नाम पे मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। अब बढ़ते बढ़ते मसाइल इतने बढ़ते जाएंगे कि इंसान जिंदगी से उठता जाएगा, ना उम्मीदी से हालत पैदा होगी, मरने को तरजीह देगा, लेकिन वहां कहां सुकून मिलेगा। अब तो घबरा के कहते हैं मर जाएंगे, अब तो घबरा के कहते हैं मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मतलब हजरत, आने वाला वक्त मसाइल और बढ़ा रहा है, इसलिए हमारे नबी अलैहिस्सलाम के बरकात, उनके समरात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दवाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताएं, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। इनको हासिल करने की कोशिश करें, इनकी कदरदानी बढ़ाएं, क्योंकि यही आखिरी कोशिश है। घूम घुमा के, फिर फिरा के आखिर इन्हीं का सहारा लेना पड़े, तमाम जगहों से थक हार के आना पड़ता है, आखिरी कोशिश यही है। साइंस का दामन थामा जा रहा है, इलाजों के नाम पे, टेंशनों के नाम पे, सर्जरी के नाम पे, तरक्की बढ़ती जा रही है, तालीम बढ़ती जा रही है, साइंस तरक्की कर रही है, बड़े बड़े डिग्री वाले बेबस होकर बैठे हैं, बड़े बड़े डिग्री वाले बिचारों ने लाखों के खर्चात से डिग्रियां हासिल किए, बड़े बड़े डिग्री वाले बेबस होकर बैठे हैं। आपसे दरख्वास्त है, नबवी आमाल को अपनाकर अपनी जिंदगियों में बहारें और खुशगवारियां लाएं, अल्लाह की रजामंदी मिलेगी, जिंदगी खुश खुश गुजरेगी,
आखिरत भी हमारी सुधर जाएगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक दिल से निकलने वाले आमाल सारे के सारे खैर और इंसानियत के लिए फैज और नफामंद हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलातो सलाम के पाक दिल से निकलने वाले आमाल सारे के सारे फैज और नफामंद हैं, खैर और इंसानियत के लिए बेहद मुफीद हैं। इसको इस्तेमाल करें, अल्लाहु अकबर की खूब कसरत करें, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर की खूब कसरत करें, फिर जिंदगी का लुत्फ उठाएं, दूसरों को नफा पहुंचाने की नियत करें, दूसरों को नफा पहुंचाने वाले आमाल इख्तियार करें, अल्लाह पाक इससे बेहद खुश होकर हमारे मसले हल फरमा देते हैं। मुतर सामिन, अभी हाल में एक गैर मुस्लिम, मुसलमान नहीं, एक गैर मुस्लिम डॉक्टर जिसकी ड्यूटी कोरोना वार्ड में है, ध्यान से सुनिए, गैर मुस्लिम डॉक्टर जिसकी ड्यूटी कोरोना वार्ड के अंदर, उसने सजदे की हालत में जाकर बतलाया कि सबसे आसान तरीका जिससे फेफड़ों की तह में गाढ़ा होकर फेफड़ों को बंद करने वाला बलगम खांसी निकाल कर निकाला जा सकता है, बकायदा सजदे की हालत में जाकर बतला रहा है। कुर्बान जाइए अपने पाक परवरदिगार पर कि रोजे फर्ज किए तो साइंस ने कहा जो शख्स साल में 3-4 हफ्ते जानबूझकर भूख बर्दाश्त करे उसे मेदे की मूजी बीमारियां नहीं होती। अल्लाह ने भूखा रहना फर्ज कर दिया। अल्लाह ने नमाज फर्ज की तो साइंस ने कहा जब कोई शख्स सर के बल झुकता है तो उसकी दिमागी नसें खुलती हैं, रुकू की हालत में जाओ तो कमर के पुट्ठों में खींचाव कम हो जाता है, सजदा करो तो फेफड़ों से गंद बाहर आता है, सांस का निजाम बहाल होता है। माशाल्लाह, दीने इस्लाम का एक एक रुकन, एक एक फर्ज का मकसद सिवाय इंसान के भलाई के और कुछ नहीं, यकीन जानिए। दीन इस्लाम की एक एक बात, एक एक रुकन, एक एक फर्ज का मकसद ये हम सब के भलाई के लिए। अल्लाह पाक ने अपनी इबादत करने का तरीका भी वो बताया कि जिसमें इबादत अल्लाह की और सेहत इंसान की। मुत्तर सामिन, गारंटी के साथ आप जरा अच्छी तरह रुकू कीजिए, अच्छी तरह सुन्नत के मुताबिक, कमर और पीठ के सारे तकालीफ खत्म हो जाएंगे, यकीनी तौर पर सुन्नत के मुताबिक रुकू कीजिए आप, सजदा अच्छी तरह कीजिए, दिमाग की सारी तकालीफ दूर हो जाएंगी। मोहतरम सामिन, अल्लाह पाक जल्ल शानू का एक नाम है सलाम, अस्सलामु या सलाम, ध्यान से सुनिए, बहुत काम की चीज है और आजकल के माहौल में सख्त जरूरत है इसकी। इस नाम में बड़ी तासीर छुपी है, बड़ा कमाल छुपा है। या सलामु हर किस्म की बीमारियों से हिफाजत के लिए बड़ी कुव्वत और बड़ी ताकत इसमें पोशीदा है। बड़ा ही अजीब व गरीब बाबरकत नाम है या सलामु। इसको मामूली समझने वाले बदनसीब है, बड़ी ताकत इसमें पोशीदा है। बड़ा ही अजीब व गरीब बाबरकत नाम है या सलाम। हर तरह की बीमारियों से सलामती आएगी, हर तरह की बीमारियों से, हमारे घरों में, हमारे जिस्मों में, हमारे शहरों में, या तो सलाम करने से
या ये इसमे मुबारक या सलामु पढ़ने से। अल्लाह ताला सलामती को भेज देते हैं, सलामती की हवाएं चलाते हैं और अर्श से फर्ज पर सलामती को नाजिल करते हैं। यकीन जानिए या सलामों में खैरें हैं, या सलामों में राहतें हैं, या सलामों में बरकतें हैं, या सलामों में बीमारियों से हैरत अंगेज तौर सलामती पोशीदा है। अल्लाह ताला सलामती की हवाएं चलाते हैं, अर्श से फर्श पर सलामती को नाजिल करते हैं, इसमें खैरें भी हैं, राहतें हैं, बरकतें हैं, बीमारियों से हैरत अंगेज तौर पर सलामती इसमें छुपी हुई है। लिहाजा मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, माँ बहनों, बच्चियों, बच्चों, सलाम को खूब फैलाओ। नबी अलैहि सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया, अफशु सलाम तारीफ अमलम तारीफ औ कमा काला अलैहि सलातो सलाम। सलाम को खूब फैलाओ, जिसको पहचानते हो उसे भी सलाम करो, जिसे नहीं पहचानते उसे भी सलाम करो। सलाम को खूब फैलाओ, खूब सलाम करो, सिर्फ गर्ज की हद तक सलाम को महदूद न रखो। गर्ज हो या न हो, कसरत से सलाम करो, कसरत से सलाम करो। मौजूदा इस वबा को, कोरोना वबा को खत्म करने के लिए आज अशद जरूरत है। ध्यान से सुनिए, अशद जरूरत है कसरत से सलाम करने से, और या सलामों का वजीफा कसरत से पढ़ने से सलामती आम होगी। अल्लाह पाक जल्ल शानो बरकत आफियत और सलामती के दरवाजे खोल देगा, मुश्किलात हल होंगी, वबाएं टल जाएंगी, मुसीबतें बीमारियां दूर हो जाएंगी। फरमाते हैं जो बंदा सलाम करता है, चाहे मर्द हो या चाहे औरत, उस सलाम की तासीर 100 मील तक दाएं बाएं मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब में हवाओं में फैल जाती है। मोतबर किताबों में लिखा हुआ है, जो मर्द या औरत सलाम करे तो सलाम की तासीर 100 मील तक दाएं बाएं मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब में हवाओं में फैल जाती है। फिर सलामती की हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं और सलामती के दिन और सलामती के शामें आने लगती हैं और वबा बला की हवाएं दूर होने लगती हैं, वबाएं टल जाती हैं, मुसीबतें बीमारियां दूर होने लगती हैं। मोहतरम ख्वातीन और हजरात, आप दंग रह जाएंगे सुनकर, ध्यान से सुनिए। ये मोबाइल, ये नेट का एक निजाम है जो हवाओं में फैला हुआ है। इस निजाम के जरिए यहां अथनी में बैठकर एक शख्स की आवाज को सैकड़ों नहीं हजारों हजार अफराद और बेशुमार ग्रुप वाले अफराद तक पहुंच रही है और एक पल में पहुंच रही है। इसका जिस तरह हमें यकीन है, बिल्कुल इससे बढ़कर यकीन करें कि सलाम की सलामती भी हवाओं में पहुंच रही है। यकीन जानिए, अब ये कोरोना कोरोना कुछ बाकी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। अगर हम इस तरह या सलाम की कसरत करेंगे, सलाम को फैलाएंगे, दुआओं नमाजों की पाबंदी करते रहेंगे, तो अल्लाह ताला भी हमारी सुनते रहेंगे, बलाओं मुसीबतों से हिफाजत करते हैं। आज घर में और अपने जिस्मों में सलामती आफियत दाखिल करने के लिए मोहतरम सामीन ध्यान से सुनिए,
और घरों में दौलत की तरह हर किस्म की दीन और दुनिया की दौलत हासिल करने के लिए, दौलत बारिश की तरह बरसने के लिए, खुशहाली का राज पाने के लिए, एक अमल सुनिए और गौर से सुनिए, अमल करें और खुशहाली का राज पाइए। घर में कदम रखिए और अमल कीजिए, दौलत बारिश की तरह बरसेगी इंशाल्लाह और सलामती आएगी यकीनी तौर पर। क्या करें, घर में दाखिल होते वक्त सलाम और सूरह इखलास पर अमल करें। बहुत मुख्तसर सा काम है, जिसने भी किया है खुशहाली को पा लिया है। घर में दाखिल होते हुए अस्सलामु अलैकुम सही तौर पर सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, ऐसा नहीं लाम की अदायगी दुरुस्त हो, शुरू का हमजा उसकी अदायगी दुरुस्त हो, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम कहिए, या साथ में रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वो भी बढ़ाइए, और एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, बस एक वजीफा है। बोलो क्या मुश्किल है। खुशहाली का यह अजीब राज है, जिसने भी अमल किया उसका घर न भरा हो आप नहीं बता सकते। बेशुमार वाकया तो मुशाहिदात हैं, रिस्क न मिला हो, अल्लाह पाक ने उसको तवंगरी मालदारी न दी हो, इज्जत दौलत के रास्ते न मिले हो, खुशहाली न मिले हो, मुफलिसी न कटी हो, उसका फक्र उसका फाका न कटा हो, ये हो नहीं सकता। हाँ दायमी तौर पर हो, दो चार दिन करके छोड़ दें, ऐसा ना हो। जो खवातीन घर से न निकल सकती हो वो घर ही घर में एक से दूसरे दरवाजे पर करके खुशहालियां पा सकती हैं। जितनी मर्तबा ज्यादा होगा उतना ज्यादा फायदा होगा, जितना गुड़ उतना मीठा। इस अमल में बड़ी तासीर और बड़ा कमाल छुपा है, बड़ी कुव्वत और ताकत है, अजीब अमल है। हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस घर में सलाम किया जाता है शयातीन जिन्नात उस घर से भाग जाते हैं। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी तासीर है सलाम के अंदर, जिसको छोड़कर हम परेशान हो रहे हैं। जिस घर में सलाम किया जाता है शयातीन जिन्नात उस घर से भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं, बाकायदा ऐलान करते हैं इस घर में दो चीजें नहीं हैं, एक सोना एक खाना, न यहां कयाम हो सकता है हमारा न यहां ताम। और जब से या सलामु पढ़ना सलाम करना खत्म हुआ है, मोहतरम सामीन, औरतों के नापाकी के वाकियात, मर्दों के नापाकी के वाकियात इतने हुए हैं, इसको खोल नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता, इसकी वजाहत नहीं कर सकता, ये जगह मुझे इजाजत नहीं देती कि खोल कर बयान करूं। बहुत ज्यादा वाकियात बढ़ गए। जब घर में दाखिल होते वक्त मुआशरे में सलाम आम था और सलाम से सलामती अर्श से फर्श पर उतरती थी, वो सलामती रिस्क को वसी कर देती थी, सेहत वसी हो जाती थी। जब सलामती थी और लोग आपस में खूब सलाम को आम करते थे, खूब फैलाते थे, इतने अस्पताल दवाखाने नहीं थे, लोग ठहरे ठहरे सलाइन ग्लूकोज चढ़ाते हैं, बेड कम पड़ रहे हैं, इतने हकीम इतने डॉक्टर नहीं थे, मेडिकल स्टोर इतने नहीं थे, इतनी मशीनें नहीं थी। जब सलामती आम थी, जिंदगी में सलामती थी, खैरें थी, जब सलामती थी दिल बड़े थे, घर पलते थे, घर छोटे थे, जब सलामती थी मस्जिद कच्ची और नमाजी पक्के थे, आज मस्जिदें पक्की नमाजी कच्चे। लिहाजा सलाम को आम कीजिए, या सलामों का विर्द कसरत से कीजिए। यह अल्लाह पाक जल्ल शानो का नाम है या सलाम, बड़ी अजीबो गरीब तासीर। सलामती, सलामती की हवाएं, सलामती की राहें, सलामती की सांस, सलामती के दिन,
सलामती की सुबहें, सलामती की शामें, ये अल्लाह का नाम है या सलाम। अल्लाह का निज़ाम देखें, इस्लाम वाहिद मजहब है जिसमें लफ्ज़े सलाम का इस्तेमाल या सलामों का इस्तेमाल हमारे मिलने जुलने में रख दिया है। आप कहीं जाते हैं, सलाम करते हैं, इस सलाम में सलामती है, इसमें खैरें हैं, इस सलाम में राहतें हैं और इस सलाम में बरकतें हैं। नस्लों में जब भी सलामती आएगी वो सलाम की बरकत से आएगी, और अल्लाह सलामती के फैसले और सलामती के हवाएं चलाता है और सलामती को अर्श से नाजिल करता है। फरमाते हैं, हर रात को कुछ चीज़ें ऊपर से नाजिल होती हैं, अला बला मुसीबतें, और हर दिन को ऊपर से नाजिल होती हैं। इसलिए अल्लाह से हर वक्त अफ़ मांगो, आफियत मांगो, सलामती मांगो। इसलिए सलाम को आम करें। बाज़ बंदे ऐसे होते हैं, पता नहीं बारगाह इलाही में उनका क्या मुकाम होता है, कुतुब हैं, वली हैं, बुज़ुर्ग हैं, मकबूल बंदे हैं, हमारे नज़र में आम बंदे हैं, लेकिन अल्लाह के बारगाह में उनका बड़ा मकाम और मर्तबा। ऐसों की सलामती की हमें दुआ मिल जाती है। तो सलामती को आम करने के लिए और मौजूदा इस वबा को, बला को, कोरोना को ख़त्म करने के लिए अल्लाह पाक जल्ल शानहु के नाम या सलामों को और सलाम करने को आम करें, खूब कसरत से सलाम को फैलाएं। इसका वाहिद हल अस्सलाम अलैकुम, सलाम को आम करें, सलामती आम होगी, हवाओं में फैलेगी, हमारे घरों में फैलेगी, हमारे मोहल्लों में फैलेगी, हमारे शहरों में फैलेगी। अल्लाह बरकत आफियत के दरवाजे खोल देंगे, रहमत के दरवाजे खोल देंगे, मुश्किलात हल होंगी, वबाएं टल जाएंगी, बलाएं खत्म हो जाएगी, मुसीबतें दूर हो जाएंगी। तो हमें चाहिए मोहतरम सामीन, अस्सलाम अलैकुम को खूब कसरत से करते रहें और ज़िंदगी भर का मामूल बना लें। आज के माहौल में सलाम को आम करना बहुत ज़रूरी है। हर बंदे को सलाम करें, इस नीयत से करें, अल्लाह पाक खुश होंगे, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह तुझ पे सलामती भेजे, अल्लाह तुझे हर वबा, हर बला, हर आफत, हर मुसीबत, हर आने वाली परेशानी से अल्लाह हिफाजत फरमाए। यह है सलाम का मतलब। सलाम सलामती, सलाम अमन है, सलाम राहत है, सलाम खुशियाँ है, सलाम सेहत है, सलाम शिफा है, सलाम खैर है, सलाम बरकत है, सलाम नस्लों पर, सलाम आलम पर, सलाम कौमों पर और सलाम मुआशरे पर, सलाम मुल्क के लिए। आप इस नियत पर अल्लाह ताला की तरफ से सलामती को तलब करें। अल्लाह ताला सलामती के बंद बांध देते हैं और सलामती के कोट और हिफाजत की दीवारें खड़ी कर देते हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों की हिफाजत का निज़ाम बना देता है, फरिश्तों की हिफाजत का निज़ाम चलने लगता है सलाम करने की बरकत से या सलाम की कसरत करने से। घर में एक रूम है, एक रूम से दूसरे रूम में आ रहे हैं तो कहो अस्सलाम वालेकुम। बीवी को सलाम करें, बच्चों को सलाम करें, वालिदैन को सलाम करें, दोस्त अहबाब को सलाम करें, फ़ोन पर हेलो को भेजें, अस्सलाम वालेकुम कहें। घर में कोई नहीं तो अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाह अस्सालिहीन ये कहा करें, अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाह अस्सालिहीन। अल्लाह की मखलूक होती है मोहतरम सामीन, घर में कोई नहीं, आप जो दाखिल होते वक्त में अस्सलाम अलैना वाला इबादिल्लाह अस्सालिहीन कहा करें। ध्यान से सुनिए, हमारे अकाबरीन में हजरत कारी अमीर हसन साहब नव्वलल्लाहु मरकदो खलीफ़े अजल शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब कुद्दिस सिर्रहु, हजरत अकदस ऐसे ला इलाज और वबाई अमराज के लिए बेहद मुजर्रब और मुफीद अमल बतलाया करते थे, वह है या सलाम।
ध्यान से सुनिए, वबाई अमराज में कोरोना, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करें? हमारे अकाबरीन में से वो या सलामों की कसरत करने के लिए कहा करते थे। हजरत फरमाते हैं, फजर की नमाज के बाद और शाम मगरिब की नमाज के बाद या सलामों 142 मरतबा रोज़ाना पढ़े। या सलामों 142 मरतबा। अल्लाह के फजल से इस वायरस और दीगर अमराज से हिफाजत रहेगी और अल्लाह ताला सलामती अता फरमाएंगे। मोहतरम हजरात, आज आपको एक बहुत ही कीमती हीरा, कीमती मोती हमारे अकाबरीन में से हजरत अकदस अल्लामा थानी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से, ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि इस कोरोना वायरस का हमला मेरी बीवी पर ना हो, मेरे शोहर पर ना हो, मेरे वालिदैन पर ना हो, मेरे बच्चों पर ना हो, तो ज़रूर इस पर अमल करें और अल्लाह सुभान व तआला के हिफाजती निज़ाम का अपनी आँखों से मुशाहदा करें, चैन की ज़िंदगी गुजारें। अब अल्हम्दुलिल्लाह न तो घबराने की ज़रूरत है, न खौफ खाने की ज़रूरत है, न तो बेचैन होने की ज़रूरत है। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हजरत अकदस मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरकदो, वो फरमाते हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी जगह कोई वबा फैल जावे जिससे घर घर मौत होने लगे और हजारों आदमी मरने लगे, तो इस दौरान ये अमल कीजिए। इस अमल के करने वालों पर उस वबाई मर्ज का हमला हरगिज हरगिज ना होगा, बल्कि वो सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे। अल्लाह अकबर। अगर खुदा ना खास्ता किसी जगह कोई वबा फैल जाए जिससे घर घर मौत होने लगे, हजारों आदमी मरने लगे, तो इस दौरान अमल कीजिए। इस अमल के करने वालों पर उस वबाई मर्ज का हमला हरगिज हरगिज ना होगा, बल्कि वो सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे। अल्लाह अकबर। तो मोहतरम खवातीन हजरात, गौर से सुने और उस पर अमल करें, ज़रूर भी ज़रूर फ़ायदा होगा। अब घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वो अमल ये है कि पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और हर मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर 3 मरतबा अल्हम्दु शरीफ पढ़े, फिर इसके बाद हर मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह कद्र यानी इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र ये पढ़े, फिर आयात शिफा पढ़कर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। आयत शिफा जो मोमिन का हथियार वगैरह किताबों में है, मशहूर है। सुबह पानी पर दम करके रख लें, सब घर वाले वही पानी पिए दिन भर, रोजाना इसी तरह पढ़कर दम करके इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह सेहतमंद रहेंगे। और ये हैरत अंगेज फायदा पहुंचाने वाला पानी पीने वालों पर मर्ज का बिल्कुल हमला न होगा। मुतम सामीन, छोटे छोटे टोटके, उसमें जिंदगी भी है, सेहत भी है, तंदुरुस्ती भी है, शिफा भी है, जिस्म सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे, हैरत अंगेज तौर से मुफीद भी हो। छोटे टुटकों पर नज़र रखें, उसको मामूली न समझें, नज़रअंदाज न करें, खुद तवज्जो करें और उन छोटे टुटकों पर खूब ध्यान दें।
यकीन जानिए एहसास होगा हम इसको छोड़कर कितना परेशान है, बीमारियों में मुब्तला हैं। जरा गौर से सुनिए, जब भी आटा गूंदे खुश्क आटे में कलौंजी, अजवाइन और सफेद जीरा तीनों चीजें हम वजन ले लें बराबर बराबर, फिर गूंदे। कलौंजी, अजवाइन और सफेद जीरा आटे में गूंद कर फिर रोटी पकाएं। इससे रोटी मजेदार बनेगी, जायका बड़ा अच्छा लगेगा। और दूसरा जबरदस्त इसका यह फायदा है, रोटी हजम होगी, खाना हजम होगा और बेहतरीन हजम होगा, बड़ी फायदेमंद रोटी है। तीसरा फायदा ये रोटी जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, मोहरों के और कमर के मसाइल के लिए अजहद मुफीद है और बहुत कमाल की रोटी है। इस रोटी की तासीर आप खाकर देखें और इसका कमाल देखें, आपकी तबीयत में खुद ये बात असर करेगी कि कमाल की रोटी है। पहले से तीनों चीजें हम वजन मिलाकर रखें, हस्बे जरूरत एक चुटकी या एक चम्मच खुश्क सूखे आटे में मिलाकर फिर गूंदें। चंद हफ्ते, चंद महीने आजमा कर देख लें, बहुत फायदा महसूस करेंगे। सच्ची ताकत और सच्ची कुव्वत इससे आएगी, जिस्म सेहतमंद रहेगा। ये रोटी जिस्म को राहत पहुंचाएगी, सेहत पहुंचाएगी।